हेलो दोस्तों, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम बताएंगे वीडियो में, इसमें ये हमारे पास कमेंट आया है, इन्होंने लिखा है 4 लाख रुपए 9% से सालानी है, 15 साल का ब्याज कितना होगा बता दीजिए। तो इनका कहने का मतलब है कि 4 लाख रुपए लिए हैं इनने ब्याज पे, ठीक है, लोन लिया है, तो 15 साल 9% से 15 साल का कितना होगा। तो कृष्णा जी नाम है इनका। कृष्णा जी, हम चलते हैं अपने कैलकुलेटर पर, आप ध्यान से देखें। जैसे हम अपने कैलकुलेटर पर आ चुके हैं, तो आपको पहले लगाना है पैसा जितना है उतना, ठीक है, ध्यान से सुने, जितना है उतना पैसा लगा लेना, ठीक है। जैसे 4 लाख है या 40 लाख है, कितना भी रहने दो, ठीक है, या 40 हज़ार है, उस हिसाब से जितना पैसा उतना पहले पैसा लगा लो, ठीक है। ये हम 4 लाख रुपये लिख लिए, उसके बाद में आपको क्या करना है, यहाँ परसेंट का निशान दे देना है, ठीक है। देखो यहाँ कैलकुलेटर निकाल लेंगे ना मोबाइल में, तो ऐसा 1% का निशान होगा, ठीक है, किसी भी कैलकुलेटर में देख लेना, ये जरूर मिलेगा, ठीक है। इस पर आके आपको ये क्लिक कर देना है, ठीक है, जैसे हमने ये लगा दिया परसेंट का निशान, ठीक है। उसके बाद हम जितने परसेंट से दिया है आप ब्याज है या लोन है, जैसे मान लो 9% से बताएं आप कमेंट में, ठीक है, तो 9% से आपका 36 हज़ार रुपये बन गया 1 साल का, ठीक है। और जितने साल हैं आप लगा सकते हैं यहाँ पर, फिर लगाना है आपको क्या, ये देखो यहाँ गुणा का चिन्ह है ये वाला, ठीक है, ये गुणा का चिन्ह लगाना है आपको, तो ये देखो मैं गुणा का चिन्ह लगा दिया हूँ। उसके बाद में जितने साल है आप लगा सकते हैं, जैसे मान लो आपने बोला था 15 साल, तो 15 साल का 5,40,000 रुपये ब्याज बन गया, ठीक है, इसका 4 लाख रुपये का। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ब्याज कैसे निकालते हैं, ठीक है, चाहे ये महीने का हो या चाहे साल का हो, निकलेगा ऐसे ही, ठीक है। आपको पता होना चाहिए मेरा ब्याज साल के हिसाब से है या महीने के हिसाब से, ठीक है। तो आप इस हिसाब से अपना ब्याज का हिसाब निकाल सकते हैं। अगर वीडियो नहीं समझ में आए तो दोबारा देख लेना वापस करके, तो ज़रूर समझ में आ जाएगा। और वीडियो समझ में आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबा लेना, ताकि हमारा दूसरा वीडियो आए आप तक पहुँच जाए। और आपके मन में अभी भी कोई कमेंट है तो आप पूछ सकते हैं वीडियो देखने के लिए। थैंक्स फ्रेंड।